best time to buy a property and investment in real estate. Hello, this is Rohil Intikhab and you are watching program Real Info with Rohil Intikhab. Please subscribe our channel Red Box TV. नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और क्या ये सही वक्त है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप मजीद बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हैं? नाज़रीन, कौन सा वक्त बेहतर होता है जहां पर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकें, या आप वेट कर रहे हैं कि आप मजीद बेहतर वक्त का इंतज़ार करेंगे? बेहतर वक्त कौन सा होगा? शायद आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना 19 यानी कि कोविड 19 के बाद हम इंतज़ार करते हैं कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएँ, दुकानें प्रॉपर खुल जाएँ, कारोबार चल जाए, ये हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द रियल इस्टेट, बिकॉज प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस आपको लो नजर आ रही है। अभी भी आप कोई चीज़ खरीदने जाएं, प्रॉपर्टी की बात करूं, कोई आप कोई प्लॉट खरीदने जाएं, कोई अपार्टमेंट खरीदने जाएं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये इस वक्त हाई प्राइसेस हैं, जबकि रियलिटी ये है कि इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि हर चीज़ के जो रेट्स हैं इन्फ्लेशन के वो बढ़ गए हैं, प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़े हैं क्योंकि वर्क इतना नज़र नहीं आ रहा, काम होते हुए इतना नज़र नहीं आ रहा। कोरोना के बाद आपने देखा कि लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमी और रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं रहा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू इतना अच्छा नहीं मिला। लिहाजा इस वक्त आप देखेंगे, कंपेयर करें, हर चीज़ के प्राइसेस आपको लो हैं। सीमेंट की बात करें तो उसके प्राइसेस भी बड़े हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखें एक एनालिसिस करके कि अगर सूरत हाल बेहतर होती है और प्रोग्रेस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट होना आपको ज़्यादा नज़र आती है, तो प्राइसेस सीमेंट के और बढ़ सकते हैं, रॉ मटेरियल और महंगा हो सकता है, टैक्सेशन भी बढ़ेगी। लिहाजा प्रॉपर्टी की वैल्यूज आपको और बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अभी सोचना कि शायद मामला बेहतर हो जाएं, कोरोना के बाद हम इन्वेस्ट करें, तो शायद वो आपके लिए सही वक्त नहीं होगा। इसीलिए आप देखें कि डॉलर ने भी ये एकदम से रिवर्स हुआ है, डॉलर भी आपका पीछे आया है और इस वक्त जो डॉलर है वो 153 पे है, यानी कि आपके रुपये के अगेंस्ट डॉलर जो है थोड़ा सा पीछे आया है, रुपये थोड़ा सा तगड़ा हुआ है। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, और अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस भी कम हुए हैं, ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल हैं, दिस इज द राइट टाइम। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा ख़राब भी होता है या मामला आप देखें कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ आपको नजर आते हैं, तो दिस इज द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट। अगर अनस्टेबिलिटी होगी तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकेंगे, बिकॉज लोग बहुत सस्ते मकानात और लैंड को बेच रहे होते हैं। जब स्टेबिलिटी आ जाती है और आपको एक पोटेंशियल ग्रोथ नजर आती है तो उस वक्त आपको प्राइसेस और हाई नजर आएंगे। लिहाजा दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच।